दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। अदालत ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज कराया गया था। विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। कुमार विश्वास ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, इससे स्पष्ट है कि वो ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। बता दें कि पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का बड़ा आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो मामला है इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कुमार विश्वास तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं। एक वक्त पर दोनों नेता कभी एक मंच साझा किया करते थे, लेकिन अब दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते एक नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।